ओम ज्ञानतिमिरामृत ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतनुभ्यश्च कृपासिन्धुभैरत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय ते सर्वत्र च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जो कथा बोलो ना श्री अद्वैत गदाधर सनातन गौर भक्त वृंद मायरा के कथा बोलवे ना हरि बोल। ए केनो केनो के चाल बच्चो चुप था का वो मरी गए छे तुम्हारा की मरते जाना बोला हरि सब भाई हाथ तुले बोला हरि बोला हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम राम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अशोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अशोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। सब हिंदी बुझते बारे तो हिंदुस्तान में भाई हिंदी बुझ बनाती इंग्लिश बुझ बनाती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गतकल हम लोग हिंदी गतकल हाँ बांग्ला बोले गतकल हमारा श्रवण कर কিভাবে মা যশোমতী গোপালকে বেঁধে দিয়েছে বলে তাকে বাঁধতে পারে বলে যিনি হলেন সীমা বিশিষ্ট তাকে বাঁধতে পারে কিন্তু কৃষ্ণ তো হলেন অসীম যার বাইরে নেই যার ভিতর নেই হ্যাঁ অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার মধ্যে বিদ্যমান অতএব তাকে কি করে বাঁধতে পারে হ্যাঁ বাঁধতে পারে তাকে কেবল প্রেমের দ্বারাই তাকে বাঁধা যায়। মায়েরা ওখানে কি কথা বলবে না চুপচাপ হরি কথা শোনো যে কথা বলবে কান ধরে দাঁড়া করে দেবো এই জন্য তাকে কেবল প্রেমের দ্বারাই তাকে বাঁধা যায়। এখানে মা যশোদার প্রেম হলো কৃষ্ণের যতটুকু প্রেম গোপালের প্রতি কিন্তু মা যশোদার বেশি প্রেম হলো গোপালের প্রতি হ্যাঁ এই জন্য তাকে প্রেমেকে প্রেমেতে তিনি বেঁধে দিয়েছেন। গতকালে আমরা এসব কথা শুনেছিলাম এখানে যেখানে বেঁধে দিয়েছে এবং এই নল কুবের মুনিগ্রি তারা কারা ছিল তারা স্বর্গের কুবের সন্তান ছিল। কাল যে বলা তা উসকো থোড়ি বল করকে হিন্দি সে যা সে খতম কিয়া ওয়াজে বল নেই তো হরি এই জন্য তারা হলো কুবের ছেলে হ্যাঁ স্বর্গে যে সমস্ত টাকা পয়সা স্বর্গে যার মালিক আর যদি টাকা পয়সা থাকে কি হয় অভিমান আসে তত খারাপ জিনিস দেখবে না যেখানে টাকা পয়সা বেশি ওই বেশিয়া করে কে যাবে এত টাকা কি ঘুরাই যাবে মদ কে খাবে ঘুরাই খাবে জুয়া কে খেলবে ঘুরাই খাবে খেলবে মাছ 1000 টাকা দিয়ে কে কিনবে ঘুরাই কিনবে এই জন্য এই যে টাকা এ না যত প্রকার অনর্থ হলো এই টাকায় এই জন্য কিন্তু টাকা তো হলো লাকি টাকা হলো কি লক্ষ্মী তা লক্ষ্মীর কাছে জিনিস কি করে থাকতে পারে এখান এই জন্য লক্ষ্মীর হলো দুইটি বাহন বলো তো কে কে দুইটি বাহন একটা হলো পেঁচা আর একটা হলো গরু কিন্তু যারা লক্ষ্মীকে ভোগ করতে যায়
लखी के डाके आंसू लखी, किंतु किसे जने लखी के इनकम करे बोले ताकि हम भोग करो। माँ लखी के तुम भोग करते पारवा ना, ताके डाको यदि ताके भोग करार उद्देश्य यदि लखी के यदि तुम इनकम करो ताले वो पेचार ऊपर बस जासुबे। ऐ जने हिंदी ते बोले उल्लू, उल्लू माने मूर्ख है, तमनो बाहरी ते जने ना सबाई कोई मूर्ख बना है बुझते बात छो, वही नरक रे रास्ता खाली कर दे। किंतु लखी के डाके आवे केनो ना माँ लखी छड़ा तो गोपाल रे की करे सेवा हवे, लखी दिए तो गोविंद रे सेवा हवे ना, लखी दरकार आछे। जे रकम अपना दर का लखी छिलो तभी तो वृंदावन ना आस्ते परचे है, आज यदि टाका भी से ना था तो वृंदावन की आस्ते पाते गोपाल जी की सेवा हो तो होतो ना। एजने लखी दरकार आछे, किंतु लखी ओ लखतार तिनी होले ने गोविंद नारायण तार सेवा जन जन ताके डाको ताले ओ उल्लू पर बसी आसबे ना, पेचार ऊपर बसी तहन गरुड़ ऊपर बसी आसबे। देखि माने जब तो भगवान रे विश्व मंदिर आछे ना सब गरुड़ से खाने हैं, अर्थ होलो गरुड़ कुताय ताके वैकुंठे बोलो को वृंदावन ताके। यदि ओई लखी के तुम्हारा गोविंद रे सेवाई लगाते बार तहन की होवे तुम्हारे बारी के लखी की करे बोलो को वृंदावन बने की बने दिवे वृंदावन धाम हो जावे बुझ बात तो इतने। किंतु ओई जे नल कुवेर मुनि गिरी छिलो तारे तो गोपाल रे सेवा गोविंद सेवा लगा तो ना एजने सब ओई बेस्या देर के लिए स्वर्ग रो अपसी देर के लिए नेक्टा होए ओई मौत की जल रे मदे विहार कर छिलो। आर जबन नारद एस्ते ना ताके सम्मान करनी के ना, यदि मौत खावा था कि आर यदि मैं चले संगे था कि आर की साधु गुरु वैष्णव की देखा जाए है तादेर की साधु एक ना मौत की आर मैं चले नहीं आछे एकदम मजगुल हो गया छे। आर नारद के देखे ना और ये मैं गुलो चिलो स्वर्ग अपसरी गुलो ওই জল থেকে উঠে তো কাপড় দিয়ে শরীরে ঢেকে যে মায়া তো খুব ভালো লাগে না, এই জন্য ওরা গায়ে ঢেকে দিয়ে কি কই পুরুষ অভিমান হ্যাঁ আমি করছি আমি টাকা বিচার জিগার করি আমি আমি বুঝতে তো এই জন্য ওরা বলছে সাধুরা কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই আর কোন রাস্তা ছিল না এই রাস্তা দিয়ে লো হ্যাঁ আর কোন তোমার হ্যাঁ সাধু নারদ কে দেখ না চোখ লাল লাল করে দেখছে বলে বাবা এসে আমাদের রঙ তো ভঙ্গ করে দিয়েছে। আর নারদ দেখলো কোথায় কুবের রে ছেলে স্বর্গে আর ছেলে ওই এত খারাপ কাজ করছ আর লেখটা ওই জলে বিহার করছো সাধু এলে পরে একটু কাপড় ঠাপড় তো পড়বে তা নয় আর সাধুকে লাল লাল চক্কর কাটাছো বলে তোমাদের আমি অভিশাপ দিচ্ছি যেরকম বৃক্ষ গুলো লেখটা থাকে না ওই বৃক্ষ ওই জন্ম নিবে আর যখন বৃক্ষ জন্ম বলেছে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ হতে আরম্ভ হয়েছে আর বৃক্ষ জন্ম খুব কষ্ট জন্ম বুঝতে পারছেন তো। ওখানে বৃক্ষতে দেখবেন জল চাইতে পারে না, তৃষ্ণা লাগলো রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেউ আবার গাছ কেটে দিয়ে হ্যাঁ খুব কষ্ট জীবন বৃক্ষ জীবন। এই কোন সঙ্গে সঙ্গে যত নশা নিশা ছিল সব নেমে এসেছে নারদের চরণে পড়ে গেছে কেউ করে উদ্ধার হবে বলে গোপাল যখন দ্বাপর যুগে আসবে ওই গোপাল রে চরণ স্পর্শে তোমার উদ্ধার হবে। এখন নারদ তিনি বলেছে গোপাল রে চরণ স্পর্শে উদ্ধার হবে এখানে ভক্তদের বাক্য তো রক্ষা করতে হবে গোবিন্দকে হ্যাঁ ভক্ত বৎসল তিনি এই জন্য বলে কি বলে বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা गोविंद विसामा गोविंद कहे नामा वैष्णव पराया दैवार करुणा कर वैष्णव गोसाई कथित पावन सोमा दीन के हनाई वैष्णव दे गोविंद आछे এখানে গোবিন্দের এখানে যেন গোবিন্দ আছে তাদের বাক্য রক্ষা করতে হবে এই জন্য ভক্ত বাক্য যখন রক্ষা করে তখন ওই যে সখা গুলো ছিল বলে এটা কাজ করবে বলে কি বলে এটা ধাক্কা মার ওই উদ্যোগটাকে ধাক্কা মার এগুলা ধাক্কা মারছে। আর গোপাল গিয়ে ওই বৃক্ষ দুটো ছিল সত্য যুগ থেকে বিশাল বৃক্ষ ছিল যখন মাঝখানে দিয়ে গিয়েছে আর উদ্যোগটা আটকে গেছে আর কৃষ্ণ একটু শক্তি লাগিয়েছে শক্তি লাগিয়েছে না
ওই যে দুইটি বৃক্ষ সত্যযুগ থেকে ছিল একদম ধ্রাম করে পড়েছে, তো জোর সে শব্দ হয়েছে যেরকম কোথায় বজ্রপাত হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই দুটি বৃক্ষ থেকে ওই নলকুবের আর মুনিগিরি ওখান থেকে বেরিয়েছে, বলে বাণী গুণানু কথানে তখন সুন্দর তারা স্তুতি করছে। ঠিক আছে, এবার আমি হিন্দি বলো, আপনারা তো হিন্দি একটু একটু বুঝতে পারে, আর তোমার সব পণ্ডিত আছে বুঝতে পারে, আমার হিন্দি মধ্যেও একটু বাংলা আছে। হ্যাঁ, হাম লোক গতকালে হাম লোক শ্রবণ করে দিয়েছে কেসে মৈয়া যশোদা নে কৃষ্ণ কো কেসে উদ্ধু ঘর মে কেসে উনকো বাঁধ দিয়ে, জব বাঁধ দিয়ে ইতনে মে জো নল কুবের আর জো মুনিগিরি ও যে জমলা অর্জুন বৃক্ষ রূপ ধারণ কিয়ে হুয়ে থে কৃষ্ণ ইতনে মে উনকো তরফ মে নজর পড়া। কিউ নজর পড়া, অর ভি তো বহু সারি বৃক্ষ থে লেকিন উনকো প্রতি উনকো কিউ নেই দেখা, ই জমলা অর্জুন বৃক্ষ কো প্রতি ইনকি নজর কিউ পড়া, কিউকি ইয়ে দোনো কোই সাধারণ নেই, ইয়ে কুবের কা হ্যাঁ ইয়ে ধান কুবের কা দো পুত্র থে হ্যাঁ, ইসলিয়ে গতকাল শ্রবণ কিয়া থা इन्होंने कैसे नारद को देख करके भी उन्होंने सम्मान नहीं किया और नारद जी उनको अभिशाप दिया था, तुम लोग ये जमलार्जुन वृक्ष जोनि को प्राप्त करोगे, लेकिन जब उनकी नशा उतर गई माफी मांगे संत बड़े दयालु होते, संत बड़े कहते ना संत हृदय नवनी काही न जाना संत हृदय नवनी संत का हृदय कैसे है, बोले मक्खन मक्खन जैसे उदाहरण दिया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन उदाहरण तो मक्खन को साथ में दिया, लेकिन ये कहा कभी निपरा कहीं न जाना, लेकिन इस क्यों, बोले जो मक्खन कब द्रवीभूत होता है गर्मी से, लेकिन संतों का हृदय दूसरों को दुख देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन जब उन्होंने माफी मांगे है ना, बोले तो माफी तो मांगे, बोले ठीक है जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष कहाँ बनोगे, जहां तहा नहीं गोकुल में बनोगे। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में कहते हैं, कल हम सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, उन्होंने क्यों अभिशाप दिया, भैया अपना रास्ता में जाओ, कोई नंगे होकर के शराब पी रहे हैं, लड़की को लेकर के जलबिहार कर रहे हैं, भैया तुम्हारी क्या मतलब, तो अपना रास्ता देखो ना, फिर उन्होंने अभिशाप क्यों दिया, बोलो क्या मैंने कहा था, कौन बोल सकता है, फिर मैं इनाम दूंगा उसको, उन्होंने क्यों अभिशाप दिया, जरूरत है कि अपना रास्ता में चलो ना, कौन बोलेगा, स्वप्ना दीदी बोलो, सो रही, अरे बोलो मैंने कल किया हुआ लता, देखो कोई बात पूछो ना सब चुप हो जाता है, राधा दासी बोलो, बोलो क्या बोला था, अरे तुम लोग भी बोलो, राधा के लिए हाँ नारद जी के भक्त को आदमी को कृपा करने के लिए, अरे बोल दिया तो क्यों, कल मैंने क्या बताया था, कौन बोला जी यार कृष्ण प्रेम, हाँ नारद जी चाहते हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए, लेकिन जैसे माँ को बात चीज बनाई अपने बेटे के लिए, बेटा हाँ इसको कल याद करके बोल दी, हाँ इसलिए तो सब सब फेल हो, इसलिए हरे कृष्णा और एक बार बोलता हूँ याद रखना, इसको विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये टीका में कहते हैं, जैसे बोलो हाँ ये भी एक कारण, लेकिन मैंने क्या बताया था, हाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो टीका में कहते हैं कि जैसे मैया ने कोई बहुत बढ़िया चीज बनाई, खीर हो नहीं तो केक हो पिज्जा पास्ता, मैया ने कोई बढ़िया चीज बनाई, लेकिन घर में एक छोटा बच्चा है, लेकिन बच्चे को बड़े प्यारा वो लगता है, लेकिन बच्चा दिन भर खेलते कूदते सो गया, बच्चा जो रात को सो जाता है देखना बच्चे को सहज में उनका नींद नहीं खुलता है, लेकिन मैया ने क्या की बड़ी सुंदर चीज बनाई, अभी बेटा सो गया, फिर मैया क्या करेगी, जब तक उसको खाना नहीं खिला देगी ना मैया नहीं खाएगी, क्यों बढ़िया चीज है, इसलिए देखना वो नहीं उठने पर भी बच्चों को मैया क्या करते हैं, उसमें चिमटी काट करके हिला हिला करके मैया उसको जोर जबरे खा ले, तेरे लिए तो बहुत बढ़िया खीर बनाया नहीं तो केक बनाया तो खा ले, जो जबरदस्त उसको उठा उठा करके खिलाते हैं, इसलिए नारद जी बड़े दयालु है, जो दयालु होने का नाते उनको ब्रज प्रेम को उनको आस्वादन कराना नारद जी चाहते हैं,
इसलिए उनको तो वृक्ष जन्म प्राप्त होंगे, लेकिन लास्ट में उनको क्या स्थान दिया, लास्ट में ये मधुकंठ और शिक्षक बने, बन करके उनको गोलोक वृंदावन में उन्होंने स्थान दिया। और वहां पर सवेरे और शाम को हैं कहते, सवेरे कृष्ण के लीलाओं को और शाम को कृष्ण के बाल्य लीलाओं को सवेरे ये वर्णना करते हैं, और शाम को रोज वहां पर जैसे हम यहाँ बैठे हैं सारे ब्रजवासी बैठते हैं, और कृष्ण की जो मधुर लीला है वो मधुर लीला को बाल्य लीला को ये दोनों गोलोक वृंदावन में गान करते हैं। हाँ, नारद जी तो अभिशाप दिए, लेकिन ये फल क्या मिला उनको, कितने बड़ी श्रेष्ठ फल मिला हैं। फिर वृक्ष बने तो कहाँ वृक्ष बनाए, कहाँ बनाए, वृंदावन में वृक्ष बने। कितना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जब किंचित गुलमल लता है, यहाँ पर किकट मुख ही कहते वृंदावन में जो गुलमल लता जो कीड़े मकोड़े वो साधारण नहीं है, कहते कृष्णानुकूलम, इस सब के सब कृष्ण लीला में मग्न करते हैं। इसलिए अभी उन्होंने भक्तों का वाक्य को रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा करो, बोले क्या प्रतिज्ञा करो, बोले मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इतने में अर्जुन ने कहा प्रभु तेरे भक्त का विनाश नहीं, तुम ही प्रतिज्ञा करो ना, हमसे क्यों करवाते हो। बोले देखो कभी कभी मैंने प्रतिज्ञा की है, लेकिन अगर मेरे भक्त कोई बात को प्रतिज्ञा करता है ना, मैं अपना प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त प्रतिज्ञा पर रक्षा करता हूँ, भक्त प्रतिज्ञा कभी मैं तोड़ता नहीं है। इसलिए अभी भक्त ने क्या बताया, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनकी चरण स्पर्श से ही तुम्हें उधार होगा। इसलिए नारद जी की बातियों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी सखाओं को बोले, सखाओं थोड़ी सी ये मुखलों को पीछे से धक्का मारे, और उन्हें धक्का मारे, और कृष्ण जब उसको बीच वृक्ष दोनों थे बीच से होते हुए गए, इतने में वो अटक गया उखल, अटक गया उखल, तो इतने में कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए और वो दोनों दोनों जो वृक्ष थे विशाल सत्य जी का वृक्ष विशाल वृक्ष थे, ऐसे दोनों तरफ में ऐसे गिरे, इतने जोर से आवाज हुई जैसे कोई वज्रपात हुआ है, भयंकर शब्द हुई दोनों वृक्ष गिरे तो। इधर जब गिरे इतने में वो नल कुबेर और मुनिगिरी है, मुनिगिरी कैसे उनको उद्धार किया, बास भगवान की उखल में भगवान बंधे थे, खुद बंधे थे, लेकिन भक्तों को उद्धार कर दिया। और बंधे हुए उखल में रस्सी लगी हुई, फिर रस्सी है रस्सी में कमर में हुई, और इतने दूर से स्पर्श से उनको उद्धार हो गया, और दोनों प्रकट होकर के भगवान को बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले हे प्रभु, बोले वाणी गुणानु कथने, बोले प्रभु जैसे जो वाणी है जैसे तुम्हारी गुण कीर्तन में लग जाए है, और ये हस्त जो अपने दो हाथ दिया है प्रभु जैसे तुम्हारी चरण की सेवा में भक्तों की सेवा में, लेकिन जो कान है इसको किस में लगे, बोले तुम्हारी कथा सुनने में लगे, और ये सर को, बोले प्रभु जो सर है ना अगर तेरे भक्त को अगर दर्शन करे जैसे ये अपने आप सर भक्तों का चरण में झोंक जाए। बोले क्यों, बोले आज हमें ये वृक्ष जो नहीं क्यों होना पड़ा, क्योंकि हमने नारद जी को तो दर्शन किया, लेकिन देख करके अगर ये सर को उनकी चरण में झुका देते ना, अरे हमको ये वृक्ष जो नहीं पड़ना नहीं पड़ता, अब चूंकि हम उनके चरण में सर नहीं झुकाए इसलिए हमको ये वृक्ष जन्म लेना पड़ा, अगर चरण में प्रणाम करते तो वृक्ष जन्म ही नहीं होता, हमारे उदार हो जाता। इसलिए नियम है वैष्णव देखिया जेवा नाम नुआए मुंड तार मुंड पड़े गया नर कर मुंड, बुद्ध वाचन बांगाली मायरा, यदि वैष्णव तेरे वैष्णव तेरे यदि देखे यदि माथा का था तेरे चरण यदि नतमस्तक ना आए तो उनकी अवे भाई मुंड पड़ गया नर करे कुंड है, ये माथा का किए नर करे कुंड पड़ता अवे, इतने नियम वालो गुरु वैष्णव के दर्शन करा संगे संगे माथा का ना था तेरे चरण नतमस्तक करता है। इतने उदाहरण दिखे जे रकम बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर है, लोग देखे मैंने ज्यादा साधारण पुलिस ही कर सालूट करे प्रणाम करे ना करे ना चाकरी चली जाए,
এইখানে শাস্ত্র বলছে যদি বৈষ্ণবদের দেখে প্রণাম যদি না কর না তিন দিন পর্যন্ত উপবাস থাকে তবে তার হ্যাঁ প্রতিক্রিয়া তবে তার সেটা মুক্ত হবে হ্যাঁ নতুবা সবস্ত্র গিয়ে গঙ্গায় স্নান করে আস এই যে নিয়ম হলো বৈষ্ণবদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাকে নিচু করতে হবে বুঝতে পারছেন তো প্রণাম করবা এইজনে ইসলিয়ে ইয়াহ পর কেতে হ্যাঁ अगर वैष्णव को दर्शन करते हुए अगर ये सर को उनके चरण में नहीं झुकाते हो भैया जो जो मुंडा है ना मतलब जो सर है फिर नरक है कुंड फिर ये नरक में होना पड़ेगा इसलिए नियम है वैष्णव को दर्शन करते ही क्या करो ये सर उनके चरण में झुका दो एक उदाहरण देकर समझाए जैसे कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर आ रहा है लेकिन अगर उनको देख करके जो छोटे जो पुलिस है जो छोटे पुलिस अगर उनको सैल्यूट नहीं करते ना उसका नौकरी चली जाती है इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर किसी वैष्णव को दर्शन करते हुए प्रणाम नहीं करोगे शास्त्र ने उनके लिए दंड बताए तीन दिन तक उपवास रहनी चाहिए हैं तभी जाकर के पाप तुम्हारी मुक्ति होगी हैं इसलिए इन्होंने बोले हे प्रभु जैसे वैष्णव को दर्शन मात्र से ही ये सार उनके चरण में झोंक जाए ये सार उनके चरण में झोंक जानी चाहिए इसलिए हमको आशीर्वाद यही करो भगवान को परिक्रमा करते हुए दक्षिण दिशा में चले गए हैं इतने में बड़ी जोर से आवाज हुई सारे ब्रजवासी एकट्ठे हो गए के देखा कृष्ण मैया जशोदा तो देख कर उसका दिल ही सूख गया हे भगवान ये क्या हो गया क्योंकि दोनों वृक्ष ऐसे गिरे अगर दोनों वृक्ष ऐसे नहीं गिर करके अगर कृष्ण को ऊपर गिर जाते तो कृष्ण अभी तीन साल के करके राम नाम सत्य हो जाता कृष्ण का इसलिए मैया जशोदा को जो छाती है ना एकदम सूख गई मैया जशोदा का छाती इतने में नंद बाबा आ गए और आकर के देखा कृष्ण बीच में फंसे पड़े हुए हैं बोले हे भगवान नारायण मेरे लाला को बचा दिया लेकिन कृष्ण नारायण का भी बाप उनको भी पता नहीं नारायण का भी नारायण है इसलिए बोलते हमारे लाला नारायण की कृपा से बच गया ठाकुर के अगर वृक्ष ऐसे नहीं गिरते उल्टा अगर गिरते तो हो जाता हमारे काम नंद बाबा ने आकर के क्या किया एकदम फटाफट रस को खोल दिया बोले क्यों जो बंधे हुए थे वो बात्सल्य रस में बंधे हुए थे इसलिए बात्सल्य रस नहीं तो उनको बस उन्नत रस ही उनको खोल सकता है फटाफट उन्होंने खोल दिया और खोल करके उन्होंने पॉकेट से एक लड्डू निकाल करके दे दिया बोले देखना बच्चों का स्वभाव क्या है अगर मैया बच्चों को मारी तो पिटाएगी अगर पिताजी आकर थोड़ा स्नेह कर लेना उसको थोड़ा प्रेम दे दे देखना बच्चा रोना शुरू कर देता है बुझ दो बात तो अगर माँ ने माँ छेले के मेरे थे देखना मेरे थे खूब मेरे थे देखना बाबा यदि एक ऐसे आपदार करे एक भालो आसे ना कि छेले हमार बात एकदम छलका कान्ना का दिखता है हैं एक बार गोपाल अभी कृष्ण अभी कान्ना का कान्ना शुरू कर दिए हैं और नंद बाबा जल्दी जल्दी पॉकेट से एक लड्डू को निकाले और कन्हैया का हाथ में लड्डू पकड़ा दिया बोले बोलो देखी लाला किसने तेरे को बांधा बोले मैया बोले खोला किसने बोले बाबा बोले बड़े मैया करते रहते हो बताओ अभी किसको पास में रहोगे बोले बाबा के पास में रहूंगा मैया के पास में नहीं जाऊंगा मैया मेरे को मारती रहती है बाबा कहने जिगा सर से बांध लो के बोले बाबा माँ बोले फूल लो के बोले माँ बोले तू खूब माँ माँ करो बोले कार का से ठाक बोले अरे मारे का से जाओ ना हमें बाबा रे का से ठाक बाबा हमारे खूब भलवासे अरे माँ तो हमारे सब समय शासन करे मारे किंतु मार जे शासन टाई कल्याण बाचा चले ना तो बुझे ना इसलिए मैया जो शासन करती है क्यों शासन करती है बच्चा का भविष्य तो बिगड़ नहीं गया तभी तो मैया शासन करती है ना बच्चा ज्यादा करके किसको गोद में रहता है माँ की गोद में बाबा तो कभी कभी काम से जब आए थोड़ी सी रह जाते हैं रहते हैं किसको गोद में बच्चे का ज्यादा कल्याण कौन सोचता है माँ सोचती है मेरा बेटा बिगड़ नहीं जाए ये नंद बाबा को ये बात पता है, है? ये बात उनको पता है इतने में मैया वहां पर जब आई नंद बाबा मैया को बड़े डांट लगाई बोले एक तो मटकी तो फटा होगा और तो कुछ बात नहीं क्या तेरे लिए मटकी और मक्खन ही ज्यादा कन्या से ज्यादा प्यारा हो गया
लगता है ये मटकी और मक्खन से तुम्हारी ज्यादा प्रीति है, लाला का प्रति इतना प्रीति नहीं, तू ये मटकी मक्खन को लेकर रहा कर। मैं तो ये कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तीर्थ घूमने के लिए जा रहा हूँ। जब इतना बोले मैया इतने दुखी हो गई, बोले इन्हें हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया? आज इन्हीं हाथों से लाला को मैंने कैसे मैंने बांध दिया। मैया बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर के नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में लेकर गए, दोनों बच्चों को स्नान कराया और धारस न दूध में मिश्री डाल करके दोनों बच्चों को पिला दिया। पिला करके उन्होंने घर में आए। जब घर में आए नंद बाबा माँ जसोदा की खूब गाली दिए थे। बोले गोपाल थे कि तुम्हारा हाड़ी था और माखन बेसी भालोबासा हो गए थे, कत कष्ट करे गोपाल थे कि पिए थी और आज के तुम्हें बेंधे दिले। हमी इधर एक नियमित तीर्थ यात्रा करते जाते, तुम्हें वही माखन आर नोनी आर हाड़ी नहीं है तुम्हें था। अभी शाम को नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के आए। एक घर की कोने में मैया जसोदा बैठी बैठी कर रो रही, मैंने आज कैसे काम कर दिया, मेरे से ये अनहोनी काम कैसे हो गई है, मेरे को बांध दिया कैसे लाला को, इसलिए बैठ करके रो रही है। और नंद बाबा घर की एक कोने में बैठ गए कृष्ण बलराम को लेकर के। अभी दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो लड़ाई को शांत कौन करेगा? मतलब बीच में कोई अगर व्यक्ति हो तब शांत करेगा। बीच में कोई व्यक्ति हो, बीच में कौन? बोले रोहिणी। बीच में कौन है? रोहिणी, बलदेव रुकम्मा। बोले इसका लड़ाई तो खत्म करना पड़ेगा ना, जैसे दो व्यक्ति की लड़ाई हो जाए पति पत्नी में, कौन फिर शांत करता है? घर के कोई सदस्य आकर के भैया जो हो गया थोड़ी सी लार प्यार से जो हो गया भूल जाओ। लेकिन अभी इतना डाइवोर्स भी हो रही है तो कारण है ये दोनों पति पत्नी जाकर कहीं नौकरी कर रहे हैं। जब नौकरी करते दोनों में पति पत्नी होता लड़ता थोड़ी बहुत तो चलता रहता है, अगर थोड़ी बहुत हो जाए ना बीच में कोई है नहीं उनको समझाने वाले, फिर दोनों का मान दोनों का लड़ाई धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर बीच में कोई होता ना फिर समझा देते क्या हो गया मिल जाओ, लेकिन कोई समझाने वाले नहीं, इसलिए जाकर के लास्ट में डाइवोर्स की कारण आ जाती है। इसलिए यहाँ पर रोहिणी बोले अगर किसी तरह से ये कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर के जसोदा की गोद में अगर छोड़ दिया जाए ना ये लड़ाई शांत हो जाएगा। तो उन्होंने बोले दाऊ एक काम कर, जा जा करके कृष्ण को वहां से उठा करके श्री जसोदा की गोद में तू छोड़ दे। इतने में बलदेव प्रभु के बोले कन्हैया चल मैया के पास में चल। जो उन्होंने हाथ पकड़े ना कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, झटका मारे बलदेव प्रभु तो वहीं पर गिर पड़े। इतने में रोहिणी बोली अरे लाला आज तो बड़ा क्रोध में हो है। बोले बताओ अगर मैया को पास में नहीं जाएगा दूध कहाँ से मिलेगा? बाबा के पास में थोड़ी दूध, दूध तो मैया के पास में मिलेगा, अरे दूध खाओगे कहाँ से? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके मेरे को खिला देंगे। बोले बताओ सोगे कहाँ पर? देखना किसी से बच्चे का बड़ी आदत है क्या है, जब तक तो वो मैया की गोद में नहीं सोए ना नींद नहीं आती। एक ऐसे कुछ कुछ बच्चों का स्वभाव है ना, देखना मैया की गोद को अगर बच्चों को नींद नहीं आती है, इसलिए बोले सोगे कहाँ पर? बोले पिताजी का गोद में सो जाए। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले भाव भैया को साथ में है। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं मैया तो मेरे को मारती है, बाबा मेरे को बड़ा प्रेम करते हैं, बाबा के पास में रहा करूंगा। बोले अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे हो गई तो मतलब अगर मैया मर जाएगी तो घर क्या होगा है, अगर मैया के पास में नहीं जाओगे। जब कृष्ण सुना अगर मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो गोपाल जी को रहा नहीं गया, कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर तो पिताजी गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधा मैया की गोद में लेट गई। और मैया तो कन्हैया को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई। और वहां जितने ब्रजवासी थे ना ये लीला देख करके सबके सब रोना शुरू कर दिया। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं इति द्रेके साले लावे रानंद को ले ओ तथा
कृष्ण ऐसे ही मधुर मधुर लीला करके संपूर्ण ब्रज को उन्होंने डुबो करके रखा था। इसलिए फिर क्या हुआ, फिर हम लोग इसको कल सुनेंगे, उसके बाद में क्या हुआ बंगाली मायरा बुझते फिर से এখানে কি হয়েছে, এখানে মা এখানে নন্দ বাবা বলছে তুমি এই হাড়ি আর মাখন নিয়ে থাকো, ননি নিয়ে আমি কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যাচ্ছি কোথায়, আমি এদের নিয়ে তীর্থ ঘুরতে যাচ্ছে। মা যশোদা তো খুব দুঃখী হয়ে গেছে, কেন আমি গোপালকে আজকে বাঁধলাম, হ্যাঁ এই হাতের মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি কেন হয়ে গেল না, গোপালকে আমি কি করে বাঁধলাম। এখন নন্দ বাবা তাকে ধারস দুধ, ধারস দুধ বুঝলেন তো, এই গরু দাঁড়িয়ে যখন দুধ বের করা হয় না, দেখবেন ওটা গরম থাকে, ওই গরম দুধের মধ্যে খুব পুষ্টি থাকে, ওর মধ্যে মিশ্রি মিলিয়ে তিনি গোপালকে খাওয়াই দিয়েছে। যখন গোপালকে খাওয়াই দিয়েছে, কেন নন্দ বাবা বিকালে এসেছে, এসে এই কোণায় মা যশোদাকে বসে বসে কান্নাকাটি করছে, আমি কি করে গোপালকে বাঁধলাম। আর এখন নন্দ বাবা এসে কোণায় মধ্যে বসে আছে, কৃষ্ণ বলরামকে কোলে নিয়ে, যদি দুইজনের মধ্যে লড়াই হয় মীমাংসাকে তৃতীয় ব্যক্তি করে, হ্যাঁ ঘরে এটি বাড়িতে অন্য লোক থাকে বলে একটু পতি পত্নী মধ্যে হয়ে থাকে, লড়াই হয় কিনা তোমার তোমার করো কি না, হয় সব করে সবাই জানে, একটু একটু দুটো কলসি থাকলে না একটু একটু লাগবে, ঠোকর লাগবে, এক বলে হয়ে গেছে ওই কথাটাকে নিয়ে সব সময় কি মনের মধ্যে ব্যস্ত আছে, তৃতীয় ব্যক্তি থাকে তখন বুঝায়। এখন ছেলে মেয়েদের বেশি ডাইভোর্স হয় কেন, ওই চাকরি করতে গিয়েছে ওখানে কোথায় লড়াই ঝগড়া হচ্ছে, আর মাঝখানে কেউ নেই বুঝা পারবে, আর ওই লড়াই ঝগড়া বেশি হয়ে গেলে পরে তখন কি হয় আরো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, বুঝতে পারছেন তো। এখন রোহিণী মা ছিল, এখানে তৃতীয় ব্যক্তি, এখন রোহিণী মা এসে এখন বলছে যে গোপালকে নন্দ বাবার কোলে থেকে নিয়ে যদি মা যশোমতির কোলে ছেড়ে দেওয়া হয় না, তখন এদের ঝগড়া মিট বাট হয়ে যাবে। তখন তিনি বলছে বলদেব প্রভু বলে বলদেব যে কাজ করো, গোপালকে ওই বাবার কোলে থেকে নিয়ে মায়ের কোলে ছেড়ে দাও, তখন ঝগড়াটা মিটে যাবে। এখন বলদেব প্রভু গিয়েছে বলে গোপাল মায়ের কাছে যাবি না, চল এখন এখন হাত ধরেছে না, এ কৃষ্ণ তো রেগে মেগে ছিল, এই ঝটকা মেরেছে তো বলদেব প্রভু গান পড়ে গেছে নিচে। এখানে রোহিণী এসেছে বলে গোপাল তুই মায়ের কাছে যাবি না, বলে না মা আমাকে মারামারি করে, বাবা আমাকে বেশি ভালোবাসে, বাবার কোলে থাকবো, বলে যদি মায়ের কাছে না যাও দুধ গুঁজা থেকে পাবে, দুধ কি বাবার কাছে আছে না মায়ের কাছে আছে, মায়ের কাছে আছে, দুধ তো মাই খাইবে দুধ, কিন্তু তুমি দুধ কোথাতে পাবে, বলে বাবা আমাকে ওই দুধের মধ্যে গরম দুধের মধ্যে ওই মিশ্রি মিলিয়ে খাওয়া দিবে, বলে ঘুমাবে গার কোলে, দেখবেন কোন কোন ছেলেদের এরকম অভ্যাস আছে, যদি মার কোলে যদি না ঘুমায় না ঘুম আসে না, মায়ের কোলে না ঘুমালে আছে না, ছেলেদের দেখবেন মায়ের কোলেই ঘুমাবে না তো ঘুমাবে না। এই জন্য কি হয়েছে বলে তুমি ঘুমাবে কার কোলে, বলে বাবার কোলে ঘুমাবে, বলে খেলাধুলা কার সঙ্গে করবে, বলে বলদেবের সঙ্গে, বলে মায়ের কাছে যাবি না, বলে আমি মায়ের কাছে যাবো না বাবার কাছে থাকবো, মা আমাকে মারে, হ্যাঁ বাবার কাছে থাকবো, বাবা খুব ভালো, হ্যাঁ কিন্তু মা যে বাবা থেকেও বেশি ভালো, হ্যাঁ কেন তার মঙ্গল চিন্তা করে তো মা শাসন করে, ছেলেটা যাতে ভবিষ্যতে খারাপ না হয়ে যায়। এই ঘর তখন আমাদের ইয়ে বলছে রোহিণী মা বলছে বলে গোপাল যদি মায়ের কাছে না যাবি না, তখন মা যদি এরকম হয়ে যায় বলি মারা যায় তখন কি হবে। আর যখন গোপাল শুনেছে মায়ের কাছে না গেলে মা মারা যাবে, আর গোপাল থাকতে পারেনি, তখন বাবার কোলে থেকে না দাঁড়িয়ে দিছে, আর মা মা করতে 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 সীতা মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে গেছে, আর মা তখন গোপালকে কোলে দিয়ে না তখন কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সমস্ত লীলা দর্শন করে যত ব্রজবাসী ছিল তারা সবাই মুক্ত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবে কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবনে সুন্দর সুন্দর লীলা করে সবাইকে তিনি মুগ্ধ তিনি করে রেখেছিলেন। ললিতায় গৌর ব্রহ্মান হরি হরি বল। আমরা যাবো বেল বানি যাবো কোথায় যাবে,
जमुनार मध्य बस जल आस देखे ना जदि नाव डूबी जाए तो हो गल आगे बार पढ़ते पढ़ते बेचे गलत तो मायरा विशेष बांगाली मेरे तो धाका मुखी करे बोलते हमी मत थे सब पाली गल सबाई जाए बुझते तो सबाई जाए एक तो लेट कर जाए एक नौकर मत बस बसबे ना तो जमुनार मत बस जल आस बुझते तो ये दस टाइम कर पैसा नहीं नब नौका वाला देवे ना थको जे नौकर मध्य बोलो ओई नौकर मध्य बसबे जे से नौकर मध्य बसबे ना बुझते तो हमी ओखान थकब और बस ताड़ाउड़ा करबे ना जो मरते जो इच्छा थे ताड़ाउड़ा बुझे ताड़ाउड़ा ना कर धीरे धीरे बसबे पीछे थकले सबाई जाए एक नौकर मध्य पंद्रह बीस लोग तो बस बसबे ना बुझे तो बसबे ना प्रत्येक वर्ष एक नौका डूबे और डूबे लोग मरे ना भूत हुए ब्रह्मचारी स्नान करते कि पेतनी ताके धरी बुझे तो मरी जमुना से ऐसे बस उठापात करबे ना धीरे धीरे बसबे जाबे ठीक है। हाँ आज जो हम लोग जाएंगे बेलवन जाएंगे वहाँ पर जो आना जाने का पैसा 10 रुपया हम उधर आपसे ले लेंगे आप किसी नाव वालों को पैसा नहीं देना। और इस बार जमुना में ज्यादा पानी है आप लोग ज्यादा ज्यादा हाँ धक्का मुक्का नहीं करके एक नाव में 15-20 से ज्यादा लोगों को ही नहीं बैठना जितना आदमी को बैठेगा उतना ही आदमी बैठना क्योंकि नाव में बहुत पानी है जमुना में तैरना तो आता नहीं डूब गया तो बस चले जाएंगे हाँ इसलिए इसलिए